पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते बैगुल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों के घरों में पानी घुस गया है। जिला प्रशासन व एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को घरों से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों के खाने पीने रहने आदि की व्यवस्था की। अपर जिला अधिकारी जयप्रताप सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से लोगों की मदद के लिए लगा हुआ है। डॉक्टरों की टीम भी तैनात कर दी गई है। प्रशासन सभी के खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। बाढ़ से बचाव का यह अभियान अभी जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें, सितारगंज से शक्ति फॉर्म को जोड़ने वाली सूखी नदी में पानी आ जाने से आसपास के घरों व रास्तों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन द्वारा मशीनें लगाकर मरम्मत का काम किया जा रहा है। उपजिला अधिकारी रविंद्र बिश ने कहा कि पानी काफी बढ़ गया था, लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पानी काफी बढ़ गया था, तो अरविंद नगर में कई घरों में पानी घुस गया था, इसलिए हमने रात से ही इनका रेस्क्यू करना शुरू किया। आज एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई, एडीएम साहब भी हमारे साथ मौजूद है और इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बोट भी लगी हुई हमारी दो, और उन बोटों के सारे सभी लोगों को हमने यहाँ राज शिविर बनाया। बरुआ में हमारा स्कूल है, वहाँ पर इन सबको खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी। जो आसपास के जितने भी स्कूल हैं उनमें हमने व्यवस्था की हुई है उनके रुकने की और भोजन वगैरह की। लोग जो अंदर हैं कुछ नहीं आना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं शायद पानी उतर जाएगा तो आवश्यकता नहीं होगी, तो उनको लाउड हिलर के माध्यम से हम उनको सूचना दे रहे हैं कि आप लोग आ जाएं, आपके खाने पीने की व्यवस्था पूरी प्रशासन करेगा। पानी घुसने का मेन कारण यह है कि यहाँ समय से जो सिल्ट उठाने का काम था वो प्रशासन द्वारा नहीं हो पाया, और यह है कि जो ढेर लगाए हैं मिट्टी के, इनकी वजह से पानी की निकासी पानी को नहीं मिल पाई, उस वजह से पानी का जल स्तर था बहुत ज़्यादा बढ़ गया पीछे वाले क्षेत्रों में। पीछे जो घरों में पानी गया है उसका यही कारण है कि ये जो आदि अवरोध पानी में उत्पन्न हुआ उस वजह से पानी पीछे घरों में ज़्यादा बढ़ गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।